वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम अभी से ये वीडियो ऑनवर्ड्स हम प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बारे में हम देखते हैं। और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में ये वीडियो में हम रिक्रूटमेंट के बारे में समझेंगे। नाउ एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसा कहा है कि कंटेंटेड यानी संतुष्ट, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, क्रिएटिव नया नया सोच रखने वाला एंड ऑनेस्ट स्टाफ ईमानदार स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ बिजनेस। सो कंपनी को चालू करते वक्त से ही रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, स्टाफ की भर्ती एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। बिकॉज अगर आपने राइट क्वालिफिकेशंस, राइट स्किल्स, नॉलेज और सिंसियरिटी के बेस पे अगर आपने रिक्रूटमेंट किया हो, करप्शन, इन्फ्लुएंस, जान पहचान, नेपोटिज्म, भाईबंदी, मेरे वाले अपने वाले, नेपोटिज्म मींस अपने वाले को ले लिया, ऐसा अगर नहीं किया हो तो आपको अच्छा स्टाफ मिलेगा। इन्फ्लुएंस, जान पहचान, करप्शन और नेपोटिज्म के सहारे अगर आपने रिक्रूटमेंट किया हो तो आपको अच्छे स्टाफ नहीं मिलेगा। बिकॉज जो स्टाफ को कोई लगभग लगाने के बाद जॉब मिलता है तो आप देख समझ सकते कि उसकी कैपेसिटी क्या हो, वो खुद पे उसको विश्वास ही नहीं होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद रिक्रूटमेंट। सी, रिक्रूटमेंट का मीनिंग है सिलेक्शन नहीं है। रिक्रूटमेंट मींस आदमी को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार करना। सो रिक्रूटमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब से नया एंटरप्राइज चालू करते हैं, जब वो यूनिट को एक्सपांड करते हैं, या कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है, मरता है या रिटायर होता है, रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। सो यू कैन सी रिक्रूटमेंट तो कंटिन्यूस होता ही रहता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस, तरीका है ऑफ लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉयज। देखो, प्रोबेबल जो आपके लायक हो, एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। सी, रिक्रूटमेंट का मीनिंग है काम पे लगाना नहीं, ढूंढना, सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज को ढूंढना और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार करना। बाकी का काम सिलेक्शन में होगा। सो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस और इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एट द राइट टाइम, इन द राइट नंबर, इन द राइट प्लेस, पर्संस विद द राइट क्वालिफिकेशंस। सही समय पे, सही संख्या में, सही जगह पे, सही क्वालिफिकेशन वाला आदमी को अक्वायर करना, लाना, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। रिक्रूटमेंट के सोर्स के बारे में बोले तो कहां से होता है रिक्रूटमेंट? तो दो मेन सोर्स है, कंपनी के अंदर का यानी इंटरनल, एंड कंपनी के बाहर से यानी एक्सटर्नल सोर्सेस। तो इंटरनल सोर्सेस में ये छह दिए हैं: प्रमोशन, ट्रांसफर, फ्रेंड एंड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉयज, रिकॉलिंग रिट्रेंच एम्प्लॉयज, प्रोमोशन विद ट्रांसफर एंड वेटिंग लिस्ट। एंड एक्सटर्नल सोर्सेस बाहर से, तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू ट्रेड यूनियंस, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर, रिक्रूटमेंट एट द गेट एंड मॉडर्न मेथड। हम सबके बारे में अभी हम देखते हैं। तो पहले हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज प्रोमोशन। सी, जब आप नया पोस्ट क्रिएट होता है या एक पुराना पोस्ट वैकेंट होता है, तो मैनेजमेंट कई बार क्या करता है, एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी ऑनेस्टी, उसकी स्किल, लॉयल्टी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, या सिंपल वर्ड में उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो आदमी को वो हायर लेवल पे उसको प्रमोट करते हैं, तरक्की देते हैं उसको, राइट? तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मॉरल और लॉयल्टी बढ़ती है ना। हर बार बाहर से लाने की जगह पे अगर कंपनी के अंदर से ही कंपनी के किसी व्यक्ति को आपने प्रमोट किया और उसको हायर पोस्ट दिया, तो बेसिकली वो आदमी की वफादारी और मॉरल बढ़ता है ना, वो ज्यादा उत्साह से काम करेगा। एक चीज याद रखने का कि एम्प्लॉय सिर्फ पगार के लिए काम नहीं करता है। स्टार्टिंग में भले वो पगार के लिए काम करे,
लेकिन एक समय के बाद सिर्फ पगार उसको मोटिवेट नहीं करेगा, आदमी आगे बढ़ने की चाह रखेगा। एंड जो कंपनी में प्रमोशन या आगे बढ़ने का रास्ते है वो कंपनी में वो टिका रहेगा, बिकॉज उसको उम्मीद है कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मुझे हायर पोस्ट मिलेगा जिससे मेरी सैलरी, मेरा स्टेटस, मेरा पावर, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। आदमी को ये सब बढ़ाने का जरूरी होती है, उसको सैलरी स्टार्टिंग में बढ़ाने की इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन बाद में स्टेटस और पावर और जवाबदारी ज्यादा बढ़ाने पे वो हेल्प वो मेहनत करेगा, उसको मोटिवेशन वो होगा। तो जो कंपनी में दिख रहा है ग्रोथ वो कंपनी में वो टिका रहेगा, और जो कंपनी में वो डेड एंड दिखता है कि अभी यहाँ पे ग्रोथ नहीं है तो तुरंत वो अच्छा आदमी भागने का ट्राई करेगा। तो प्रमोशन एक बहुत अच्छा माध्यम है मोटिवेशन का भी, मॉरल बूस्टिंग का भी, एट द सेम टाइम रिक्रूटमेंट का तो साधन है ही। आपने ऑलरेडी आदमी को लाए है, कंपनी में ट्रेन किया है, कंपनी का वातावरण से वो जानकार है, कंपनी का माहौल से वो जानकार है, एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है लोगों को जानता है, पूरा प्रोसेस जानता है, तो ऐसे आदमी को आपने हायर पोस्ट देना ज्यादा अच्छा है बाहर से लाने की जगह पे। दूसरा रास्ता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या कंपनी का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे आदमी को ट्रांसफर करना। जब भी कोई दूसरा ब्रांच में या दूसरे डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी है तो एक डिपार्टमेंट में जो एक्स्ट्रा है लोग है उसको ट्रांसफर करके आप अपना रिक्रूटमेंट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, सेम कंपनी का आदमी ही आपको मिलेगा, तो शॉर्टेज यहाँ पे कमी हो, शॉर्टेज और एम्प्लॉइज को आप रेक्टिफाई कर सकेंगे। तीसरा रास्ता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉइज। जब आपको वैकेंसी है कंपनी में ना, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, अब हमारे एम्प्लॉइज से ही बात करेंगे कि आपके जान पहचान में, आपके फ्रेंड्स या संबंधी में कोई ये पोस्ट के लिए लायक आदमी हो तो उसको आप रेफर करो, उसको आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए लाओ। और अगर वो आदमी को सिलेक्ट हुआ तो हमारा एम्प्लॉई मोटिवेट होगा ना, उसका मॉरल बूस्ट होगा, उसको लगेगा कि हाँ मैंने रिक्रूटमेंट में पार्ट प्ले किया है, और उसको अच्छा भी लगेगा कि मैंने कोई किसी की सेवा की, मैंने एक आदमी को जॉब दिलाया। तो और प्लस जब आपकी कंपनी में रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ही काम करते तो काम कराना आसान बन जाता है, बिकॉज आपको कोई एक आदमी से बात करनी है या काम करानी है तो उसका फ्रेंड या उसका रिलेटिव को बीच में लाके आप काम करा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये हेल्प करेगा। देन रिकॉलिंग रिट्रेंच एम्प्लॉइज। अगर कोई फॉर्मर एम्प्लॉय, पहले काम करने वाला आदमी को आपने कंपनी ने कोई कारण से निकाल दिया, बुरे कारण से नहीं, जैसे कंपनी मंदी से गुजर रहा है, तो डाउन पीरियड है, डाउन साइजिंग करना पड़े कंपनी को, तो कंपनी ने कुछ लोगों को निकाल दिया, तो ऐसे आदमी को जब अच्छे समय में कंपनी पहले उनको इन्वाइट करेगा, उनको कंपनी ऑफर देगा कि आपको वापस आना है, आप आ सकते हैं, जगह खाली है। तो यहाँ पे रिट्रेंच एम्प्लॉइज को वापस बुलाया, या कोई आदमी वॉलंटरली कंपनी छोड़ के कहीं और चला गया, दूसरी कंपनी में चला गया, आपके पास तो रिकॉर्ड है ही, तो आपने वापस उसको ऑफर दिया कि फलाना पोस्ट पे जगह खाली है, आप आ सकते हैं। नॉर्मली ये प्रमोशन पे ज्यादा काम होता है कि अगर आप कोई ऑफिसर लेवल का लड़का निकल गया कंपनी में से और दूसरी कंपनी में चला गया, अब मैनेजर लेवल का जगह खाली पड़ा और आपको नया मैनेजर लाना है, कोई बाहर से लाना है, तो आप फ्रेश आदमी को लेने की जगह पे वो जो आदमी पहले आपकी कंपनी में काम करता रहा और अच्छा था, आपने उसको ऑफर दे दिया कि मेरी कंपनी में मैनेजर का रोल खाली पड़ गया है, आपको वापस आना है, तो हो सकता है वो आदमी हायर सैलरी पे, हायर पोस्ट पे वापस आ जाए। देन प्रमोशन विद ट्रांसफर, यानी ऐसे ही आपने ट्रांसफर तो दे दिया दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन प्रमोशन के साथ आपने उसको ट्रांसफर दिया उसको, सो हायर पोस्ट पे आपने दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा। बैंक में ऐसे ही होता है ना, बैंक में अगर सूरत में कोई मैनेजर है या ऑफिसर है बैंक में, जब उसको मैनेजर का पोस्ट देते हैं तो हर बार उसको वही ब्रांच में कभी देंगे नहीं, उसको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करके उसको प्रमोशन करेंगे। तो जब भी आपको प्रमोशन लेना है आपको दूसरा ब्रांच में जाना पड़ेगा, यानी ट्रांसफर लेना पड़ेगा, या तो सिटी के बाहर या वही सिटी में दूसरा ब्रांच में जाना पड़ता है। तो ये नॉर्मल पॉलिसी कुछ कंपनी में होती है। एंड सिक्स्थ इज वेटिंग लिस्ट। जब कंपनी ने आगे एडवर्टाइजमेंट दिया हो और लेट अस से दो पोस्ट के लिए 20 लोगों ने अप्लाई किया, ये 20 पोस्ट में से कंपनी ने 5 लोगों का इंटरव्यू लिया, उसको छटनी करके 5 लोग सिलेक्ट किया और उनका इंटरव्यू लिया, और वो 5 में से 2 लोगों को फाइनल सिलेक्ट किया, लेकिन कंपनी को और 2 लोग भी अच्छे लग गए,
तो पांच में से कंपनी को दो चार लोग अच्छे लगे थे, पर्सन वन एंड पर्सन टू को कंपनी ने सिलेक्ट किया, बाकी दो को सिलेक्ट नहीं कर पाए कंपनी। लेकिन कंपनी क्या करेगा, ऐसे आदमियों का लिस्ट बना के रखेगा जो पास में उन लोगों को इंटरव्यू करके रखा है। जब अभी वैकेंसी क्रिएट होगा तो कंपनी तारे ऐसे लोगों को वापस बुला देगा, तो वो वेटिंग लिस्ट में से सीधा बुला देगा। कंपनी को नया तरीके से वापस जीरो से काम नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी कंपनी एक काम आधा काम कर चुकी है, या जिस लोगों ने अप्लाई किया है कंपनी में ऐसे एप्लीकेशन का लिस्ट बना के रखेगा, एंड जब वैकेंसी होगा कंपनी वापस ऐसे लोगों को तुरंत बुला देगा। तो ये छह मेथड्स है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के। अभी हम एक्सटर्नल सोर्सेस देखते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाहर से, तो फर्स्ट इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट, कंपनी पेपर में, जर्नल्स में, पीरियोडिकल्स में, इंटरनेट में, वेबसाइट्स में एड पोस्ट करेगा। कंपनी का वेबसाइट होगा उसमें भी आई वर्क योर का ऐप होगा, का टैब होगा, और आदमी वो वहां पे जाके, यानी वर्क फोर्स कोई भी नया आदमी वो टैब में जाके देखेगा कि कौन से जॉब कंपनी के साइट पे क्रिए अवेलेबल है और वो अप्लाई कर लेगा, तो एडवर्टाइजमेंट। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, और वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे लोग अपने, यानी जो एम्प्लॉई है वो अपना डिटेल्स ये एक्सचेंज में डाल लेगा, अपना क्वालिफिकेशन, एड्रेस, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, डिटेल सब कुछ। कंपनी को जब कोई आदमी चाहिए तब कंपनी ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को अप्रोच करेगा और अपना रिक्वायरमेंट वो एक्सचेंज वाले को बताएगा, तो एक्सचेंज वाले का डाटा बैंक में से कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आदमी ढूंढेंगे और आदमी को कंपनी को लिस्ट दे देंगे, और कंपनी वो लिस्ट में से वो आदमियों को इंटरव्यू के लिए बुला देगा, अप्रोच कर लेगा, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दूसरा है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जब सीधा लाइक इंजीनियरिंग कंपनी है या कंपनी को इंजीनियर्स चाहिए तो कंपनी क्या करेगा, सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज में ही अप्रोच करेगा और इंजीनियरिंग कॉलेज में से लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है उनको सीधा जॉब दे देगा। ऐसे ही एमबीए के जो कॉलेजेस है तो एमबीए के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को जो कंपनी को एमबीए ग्रेजुएट्स चाहिए अपने जॉब के लिए सीधा ले लेंगे। यानी ये फ्रेशर्स को रिक्रूट करना हो कंपनी को तो आप सीधा इंस्टीट्यूट में से ही आप सीधा इंटरव्यू करके ले लेंगे, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इंस्टीट्यूट में गए, अप्लाई उसको कॉन्टेक्ट किया वो इंस्टीट्यूट को और बोला कि हमें आपके इंस्टीट्यूट में से हमें इंटरव्यू करना है, हमें प्लेसमेंट करना है, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ना थोड़ी बोलेगा, वो तो चाहेगा कि अपने बच्चों का जॉब मिल जाए, तो वो तुरंत कंपनी को अलाउ करेगा, कंपनी वाला आके वो अपने अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बच्चों को बताएंगे, देन जो बच्चों को इंटरेस्ट है वो अप्लाई करेंगे, कंपनी इंटरव्यू करेगा और सीधा उनको जॉब दे देगा। तो ये अच्छा सोर्स है ना थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको नया आदमी मिलेगा यहाँ पे। देन थ्रू ट्रेड यूनियंस, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री, उनका बस ट्रेड यूनियन होता है और ट्रेड यूनियन में उनके यूनियन के मेंबर्स होते हैं, हजारों मेंबर्स होते हैं उनके, तो जब कोई कंपनी को लोग चाहिए वो ट्रेड यूनियन को अप्रोच करेगा और उनको बोलेगा कि हमें इतने लोग चाहिएगा, तो ट्रेड यूनियन अपने डाटा बैंक में से ये लोग को ढूंढ के कंपनी को प्रोवाइड करेगा और कंपनी इंटरव्यू लेके करके उनको ले लेगा। फिफ्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रिक्रूटमेंट का, आजकल नॉर्मली सब कंपनीज ये यूज करती है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, अब सब एम्प्लॉयज को खुद हायर नहीं करती। अभी जो इंजीनियर्स और कुछ मेन पोस्ट पे लोग हायर करती है कंपनी, अनस्किल या सेमी स्किल लोग कंपनी अभी कई कंपनी डायरेक्ट हायर नहीं करती है, बिकॉज कंपनी ने अगर हायर किया तो कंपनी को सब कुछ देना पड़ता है ऐसे लोगों को, तो अभी कंपनी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, तो ऐसा मिडिल मैन होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी पूरे कंपनी में सफाई का कॉन्ट्रैक्ट है, घास काटने का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, टॉयलेट सफाई, बाथरूम की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंपनी क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करेगा और उसको बोलेगा कि देखो हमें हमारे कंपनी में 50 हाउसकीपिंग का स्टाफ चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को पूरा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, अपने एजेंसी में, और कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज सप्लाई करेगा और पूरा काम कंपनी को करके देगा, कंपनी को सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को ही पगार चुका देने का और कॉन्ट्रैक्टर बाद में अपने एम्प्लॉयज को पैसा चुकाएगा। इससे क्या होता है, वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन भी होने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन अनस्किल्ड लेबरर में ये ज्यादा अभी कंपनी अप्लाई करती है, इसे कंपनी का
झंझट कम हो जाता है ना, अपना खुद के एम्प्लॉइज 2000 हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले 3000 हो गए, तो 5000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के तो सिर्फ 2000 लोग ही है, बाकी 3000 लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले का है, तो कॉन्ट्रैक्टर का झंझट है सब उनको संभालने का। सिक्स मेथड इज रिक्रूटमेंट एट गेट। डेली वेज वाले अनस्किल वाले जो लेबरर है, सीधा कई बार कंपनी क्या करेगी, दरवाजा पे सीधा एंट्री करेगी, जिसको आना है आ जाओ, लेबरर को ये काम करो, पगार लेकर निकल जाओ, डे टू डे पगार दे देंगे उनको। तो जो मिल में है मजूरी काम जो है जिसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, ऐसे काम में सीधा डे टू डे काम करेगी। जो आदमी डे टू डे कंपनी में घुसेगा, कंपनी ने उनका रजिस्टर एंट्री कर दिया, कंपनी में काम किया, जाते वक्त पगार लिया, बाय बाय, अगले दिन जीरो से वापस चालू, तो वो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होगा यहाँ पे। एंड मॉडर्न मेथड्स में आज तो कंपनीज ऑनलाइन सब करती है, अब इंटरनेट के द्वारा कंपनीज अपना वेबसाइट पे ऐड करेंगी, लोग अप्लाई करेंगे, मेल करेंगे कंपनी को, एंड जब भी वैकेंसी होती है कंपनी ऐसे कैंडिडेट्स को कॉन्टेक्ट करती है, एंड कंपनी कई बार ऑनलाइन सब कुछ करती है, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन आएगा, उनका टेस्ट, उनका स्काइपे पे इंटरव्यू करेगा, कॉलिंग स्काइप कॉल करेगा, और आपका डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेगा, आपका रिजल्ट्स, अपॉइंटमेंट सब ऑनलाइन कर देगा कंपनी, आदमी को कंपनी में जाना भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ होगा ऑनलाइन। सो इससे क्या होगा, जो कैंडिडेट को कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी है, नॉर्मली स्किल एम्प्लॉइज, वो ये मेथड से रिक्रूटमेंट कर पाएंगे। आपको कंपनी में जाना नहीं, अभी कंपनी जैसे बेंगलोर में है और आपने अगर सूरत से अप्लाई किया है, तो कंपनी नॉर्मल इंटरनेट से पहले क्या करना पड़ता था, कंपनी आपको कॉल लेटर देगा, आप बेंगलोर जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वहां पे इंटरव्यू प्रोसेस करेंगे, 2-3 दिन बेंगलोर में रहेंगे, आप सिलेक्ट हुए तो अच्छी बात है, नहीं सिलेक्ट हुए तो कंपनी का खर्चा पूरा सर पे आ गया। यहाँ पे अभी कोई झंझट ही नहीं है, आप सूरत में है कोई फर्क नहीं है, बेंगलोर का कंपनी का आदमी एचआर वाला जो है आपको कॉन्टेक्ट करेगा बाय स्काइप, आप उनसे बात करेंगे ईमेल के द्वारा, जो भी आपका डिस्कशन करेंगे 1-to-1 स्काइप पे बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और आपका इंटरव्यू कर लेगा, और जब आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ थ्रू ऑनलाइन आपका हो जाए, एंड बाद में आपको मेडिकल और लास्ट टेस्ट आपको जो होगा वो आपको इन पर्सन देना होगा। तो ये हुआ रिक्रूटमेंट के मेथड्स, कौन से, एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल के 6 सोर्स है और एक्सटर्नल के 7 सोर्स है, आपको प्लीज ये लिस्ट याद रखना, ये वर्ड्स आप याद रख लेंगे पॉइंट्स, बाकी अपने वर्ड में आप आराम से हम लिख पाएंगे, राइट। सो ये यहाँ पे हो गया। अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट तो हो चुका है, आदमी ने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, अब उसको आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज एक से ज्यादा आदमी ने आपने बुलाया है, तो आपको अभी उसको उसमें से राइट आदमी को सिलेक्ट करने का है। तो वो प्रोसेस क्या है वो हम अगले वीडियो में अभी हम देखेंगे।